डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका वीडियो लेक्चर है ये बायोमोलिक्यूल्स का लगभग लास्ट स्टेज का वीडियो लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म और इंजाइम, यानी इंजाइम पूरे बायोमोलिक्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो ये मेटाबॉलिज्म पे, ये मेटाबॉलिज्म बहुत बेसिक टर्म है, आप सुनते आ रहे हो। ये जो पूरा का पूरा ह्यूमन लिविंग बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, जिनको आपने पढ़ा था मेटाबोलाइट्स, उसमें दो तरह का मेटाबोलाइट्स आपने पढ़ा था, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात नहीं करेंगे अभी, हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, लिपिड की बात करेंगे, ये सब की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे कोई शहर है, कोई सिटी है, उसमें डिफरेंट रोड्स होते हैं, उस डिफरेंट रोड पे ट्रैफिक का जो एम मतलब नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है व्हीकल का, कहीं पे ट्रैफिक जाम, कहीं पे ट्रैफिक कम, कहीं पे ट्रैफिक स्लो, कहीं पे फास्ट। उसी तरह से आपके बॉडी में हजारों मेटाबोलाइट्स होते रहते हैं, हजारों मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक ट्रैफिक। ये मेटाबॉलिक ट्रैफिक जो होती है, ठीक है, इनका टूटना बनना, सिंपल से कन्वर्ट, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होना, ये चलता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी कंपाउंड का कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि जैसे एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना, मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड का बनना, एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना, दीज ऑल रिएक्शन आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म। दीज ऑल रिएक्शन आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म एंड, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटीन, डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में अगर कोई चीज बदलता है उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। याद रखिएगा, जो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है उसमें इनर्जी लगती है, उसमें इनर्जी यूज होती है, यानी कि वो होती है इंडरगोनिक प्रोसेस। यानी एनाबॉलिक रिएक्शन आर ऑलवेज इंडरगोनिक प्रोसेस, एनाबॉलिज्म इंडरगोनिक प्रोसेस होता है, और जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ध्यान दीजिएगा, एनर्जी रिलीज होने वाला जो प्रोसेस है वो कहलाएगा एक्सर्गोनिक, यानी कि कैटाबॉलिज्म इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस एंड एनाबॉलिज्म इज इंडरगोनिक प्रोसेस। एनाबॉलिज्म इज इंडरगोनिक प्रोसेस, क्लियर है पॉइंट आज? तो एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मैं आपको बता दूं, ये जो लिविंग बॉडी है, ये पूरा लिविंग बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एसटीडी स्टेट में आता है। किसमें आता है? एसटीडी स्टेट में। एसटीडी स्टेट होता है नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं याद रखेगा, स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन इन विच द अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, बट अलग अलग पार्ट में होता है। मान लीजिए कोई चीज लीवर में कम है तो वो किडनी में ज्यादा हुआ, किडनी में कम है तो पेंक्रियाज में मिलेगा, पेंक्रियाज में कम है तो ब्लड में मिलेगा, ब्लड में कम है, ठीक है, तो टिश्यू के लेवल पे मिलेगा। यानी सब मिला के होगा अलग अलग जगह पे, ठीक है, यानी कि यहां से वहां चला गया तो वो उसका हो गया थोड़ी देर के लिए,
वो उस ऑर्गन में चला गया तो उसका हो गया, लेकिन वो कॉन्स्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स इन लिविंग बॉडी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आप आइए, जो भी मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा, चाहे आपने एनाबॉलिज्म पढ़ा चाहे आपने कैटाबॉलिज्म पढ़ा, ये एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म या कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, इस मेटाबॉलिज्म के पीछे एक ही की मॉलिक्यूल का हाथ है, और वो की मॉलिक्यूल है क्या? एंजाइम्स। वो क्या है? एंजाइम्स। यानी ये जो मेटाबॉलिज्म है, कोई भी मेटाबॉलिज्म हो बॉडी के अंदर, उसको अंजाम कौन देता है? उसको अंजाम देता है एंजाइम। ओके, अब देखिए ये जो एंजाइम है इसके बारे में सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एंजाइम होता ही नहीं है। आपको तीन नाम बताना है। पहला नाम वायरस, दूसरा नाम वायरोइड्स, तीसरा नाम प्रियोन्स। ये वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन्स, इन तीनों में अपना एंजाइम नहीं होता, ये होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं, वहां पे जाके उसके एंजाइम को यूज करके अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और वहां पे जाके डिजीज भी कॉज करते हैं। क्लियर है? इसलिए तीनों ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं, इनका अपना कुछ भी नहीं है। जब तक ये लिविंग बॉडी के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक ये अपना मेटाबॉलिज्म, अपना रिप्रोडक्शन, अपना मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन तीनों में एंजाइम नहीं होता, यानी एंजाइम के बिना मेटाबॉलिज्म नहीं होता। क्लियर? यानी कोई सेल में अगर एंजाइम खत्म हो जाए, एंजाइम बनना बंद हो जाए, तो वह मेटाबॉलिज्म होना भी क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, इस एंजाइम के बारे में इतना जानिए कि एंजाइम नाम है ना, ठीक है, इसको पहले बोला गया था फर्मेंटीन। क्या बोला गया था? फर्मेंटीन या फर्मेंटेन, यानी एंजाइम का पहला नाम था फर्मेंटेन, बट ये एंजाइम नाम किसने दिया? कुन्हे, KUNHE, कुन्हे, कुन्हे ने नाम दिया एंजाइम। और इस एंजाइम जाइमेज को निकाला किसने? बचनर, BUCHNER, बचनर ने एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया, बचनर ने एंजाइम को खोजा। बट सेरेंडिपिटी के द्वारा पूछेगा कि एंजाइम डिस्कवरी हुई थी? यस, जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी सेरेंडिपिटी के द्वारा, जब लुईस पाश्चर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का खोज कर रहे थे। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? कहता है एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था समर। क्या नाम था? समर। उस साइंटिस्ट का नाम था समर, उसने यूरिएज एंजाइम का खोज किया और बोला, क्या बोला? उसने कहा कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एक्सेप्ट टू एंजाइम, एक तो राइबोजाइम जिसका खोज किया है किक, CECCH, किक नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया। ठीक है, ये जो है टेट्रा हाइमेना एक ऑर्गेनिज्म है, उससे इसकी डिस्कवरी हुई, टेट्रा हाइमेना, टेट्रा हाइमेना से इसकी डिस्कवरी हुई। नाम क्या है? राइबोजाइम। और दूसरा राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये दोनों एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन के बने हुए नहीं है, ये प्रोटीन के है ही नहीं, ये आरएनए के बने हुए, राइबोसोम के बने हुए। ठीक है, बोथ एंजाइम आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट दीज टू एंजाइम। कौन कौन? ठीक है, राइबोजाइम प्रेजेंट इन टेट्रा हाइमेना डिस्कवर्ड बाय केक, और दूसरा क्या बोलिएगा? राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम बैक्टीरिया में पाए जाने, ये दोनों एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन के बने हुए नहीं है,
बाकी प्रोटीनेसियस नेचर ऑफ एंजाइम वाज रिपोर्टेड बाय समर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए, ये जो एंजाइम है इसके अगर पांच स्पेशल फीचर कहेगा बताने के लिए तो आप क्या बताएंगे? इस एंजाइम के पांच स्पेशल फीचर को आप सुनिए। इस एंजाइम के जो पांच स्पेशल फीचर हैं वो क्या क्या है? ठीक है, इस एंजाइम के पांच स्पेशल फीचर जो हैं वो हैं, पांच स्पेशल फीचर वो आपके हैं, पांच स्पेशल फीचर वो आपके क्या है? तो कहता है पहला, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट एक्ट्स एज बायो कैटलिस्ट। जो काम इनऑर्गेनिक रिएक्शन में कैटलिस्ट करता है वही काम ठीक है बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए कौन करता है? एंजाइम करता है। यानी कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर 100% बायो कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्ट एज बायो कैटलिस्ट which catalyze the biochemical reactions, which catalyze the biochemical reactions. Clear है point? ठीक है। दूसरा, enzymes are very specific towards their function. A particular enzyme only act upon a particular substrate, not on all. ठीक है, यानी एक पार्टिकुलर एंजाइम किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करे, किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करे, वो सब पे काम नहीं करेगा। क्लियर? यानी एंजाइम्स के जो पांच कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें पहला आपको क्या बताया? ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड ऑल एंजाइम एक्ट्स एज बायो कैटलिस्ट, ऑल एंजाइम्स एक्ट एज बायो कैटलिस्ट, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है? कैटलाइज करता है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होती है उसी तरह ये है लिविंग बॉडी के अंदर कैटलिस्ट। ओके, तो पहला फैक्ट यानी कि एंजाइम्स के पांच इंपॉर्टेंट फीचर में पहला फीचर बोलेंगे ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स एक्ट एज बायो कैटलिस्ट व्हिच कैटलाइज ए बायोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा बोलेंगे enzymes are very specific in function to their function. Okay, enzymes are very specific to their function. A particular enzyme only act on a particular substrate. As for example, अगर maltase है तो maltose पे ही काम करेगा, sucrose पे काम नहीं करेगा। Sucrase है तो वो sucrose पे ही काम करेगा, maltose पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। माल्टेज ओनली ऑन माल्टोज, सुक्रेज ओनली ऑन सुक्रोज, लैक्टेज ओनली ऑन लैक्टोज, न्यूक्लियोटिडेज ओनली ऑन न्यूक्लियोटाइड, नॉट ऑन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसिडेज ओनली ऑन न्यूक्लियोसाइड, नॉट न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब हर एंजाइम अपने एक्शन के लिए एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही खोजेगा, उसी के लिए रिक्वायर्ड होगा, उसी के लिए वो मैच करेगा, सबके लिए मैच नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये है, यानी कि ये तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट आपका ये था। तीसरा पॉइंट क्या है? कहता है एंजाइम्स नेवर टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये खुद भाग नहीं लेता है, एंजाइम खुद भाग नहीं लेता, इंजाइम कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता, इंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन में अपने आप को बर्बाद नहीं करता। इंजाइम सिर्फ सरफेस को प्रोवाइड करता है कि आओ हमारे सरफेस के ऊपर रिएक्शन करो। तो कहता है इंजाइम सरफेस फेनोमेनन, यानी इंजाइम एक्शन, अगर कोई पूछेगा आपको कि इंजाइम एक्शन किस तरह का फेनोमेनन है तो आपको कहना है सरफेस फेनोमेनन है, इंजाइम ओनली प्रोवाइड द सरफेस फॉर रिएक्शन। ओके, इंजाइम नेवर एग्जॉस्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात देखिए, चौथा पॉइंट जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। ये फोर्थ पॉइंट जो है ये है, ठीक है, कि
जैसे मान लीजिए कि आपको इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझिए कि जैसे मान लीजिए कि तीन कंपनी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है। ये तीनों में एक जियो ऐसी है जिसका 10 रुपए का भी रिचार्ज कूपन आता है। सपोज एयरटेल का 50 रुपए से एक भी कम नहीं आता, वोडाफोन का 200 से कम नहीं आता, तो बताइए सबसे ज्यादा किसका बिकने का चांस है? कहता है जियो का, क्योंकि उसका कूपन सबसे सस्ता है। कोई भी उसके कूपन का यूज करेगा, कोई भी उसके कूपन को खरीद सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी खरीद सकता है। 10 रुपए मिल रहा है, उसका 50 में मिल रहा है, उसका 200 में मिल रहा है, उसका बहुत कम, जिसके पास 200 होगा वही खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास 10 रुपए भी होगा वो जियो का खरीदेगा। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी उसके कूपन की क्या है? कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है उसके कूपन की, वही बात यहां पे है। कहता है कि एंजाइम करता क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट के रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है और रिएक्शन को एक्सलरेट कर देता है। यानी कि एंजाइम डिक्रीजेस, चौथा पॉइंट बता रहे हैं, दिमाग में रखना है पूरी तरह, एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, क्लियर है? एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्सलरेट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और पांचवा क्या बोलेंगे? पांचवा बोलेंगे कि एंजाइम के एक्शन के लिए एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट चाहिए। सबस्ट्रेट का मतलब फिर से जानिए, जिस पे एंजाइम काम करे वो सबस्ट्रेट है। माल्टोज पे माल्टेज काम कर रहा है तो माल्टोज सबस्ट्रेट हो गया और माल्टेज एंजाइम हो गया। सबस्ट्रेट में ओएसई को हटा के एज लगा दीजिए, वो एंजाइम हो जाएगा। यानी माल्टोज इज सबस्ट्रेट, माल्टेज एंजाइम, सुक्रोज इज सबस्ट्रेट, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टोज इज सबस्ट्रेट, लैक्टेज एंजाइम, प्रोटीन इज सबस्ट्रेट, प्रोटीएज एंजाइम, लिपिड इज सबस्ट्रेट, लाइपेज एंजाइम। क्लियर है पॉइंट? तो ये दिमाग में रखना है कि एंजाइम के एक्शन के लिए एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एंजाइम हर टेम्परेचर पे काम नहीं करता, हर पीएच पे काम नहीं करता। एंजाइम के एक्शन के लिए एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच कंडीशन चाहिए। ठीक है। तो पार्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच कंडीशन, पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम वर्ड जब लगा हो तो समझ जाइए एक पार्टिकुलर रेंज होता है, फिक्स रेंज होता है। यही कारण है कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ती है या बहुत ज्यादा कम होती है, माइनस में चला जाए तब भी और टेम्परेचर प्लस में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब भी, हमारा आपका बॉडी बीमार हो जाता है, काम नहीं करता। इवन कुछ लोग सुनते होंगे कि कुछ लोग गर्मी के कारण मर गए, लू लगने से मर गए, कुछ लोग सर्दियों में मर गए। क्यों मर जाते हैं भाई? उसका रीजन है क्योंकि एंजाइम काम, अभी आपने सीखा कि एंजाइम काम किस पे करता है, एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच पे। तो अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया, रेंज से कम हो गया, तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा, और एंजाइम काम करना बंद करेगा तो आपको हमने क्या बोला है, मेटाबॉलिज्म भी बंद हो जाएगा। ठीक है। तो एंजाइम काम करना बंद तो मेटाबॉलिज्म बंद। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो हमने जो अभी आपको बताया, ठीक है, फाइनल लाइन वो क्या था, एंजाइम्स आर ओनली कैपेबल टू वर्क ओनली ऑन द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम प्रेशर। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का, अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम के काम करने के लिए क्या है, 1.6 से लेके 2 तक। 1.6 से कम होगा तब भी गैस्ट्रिक जूस काम नहीं करेगा, तब भी पेप्सिन रेनिन काम नहीं करेगा, और अगर 2 से ज्यादा हो गया तब भी पेप्सिन रेनिन काम नहीं करेगा। यानी कि बताइए गैस्ट्रिक जूस के, पेप्सिन और रेनिन के काम करने के लिए पार्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर तो बॉडी का है ही 37 डिग्री, ठीक है, 25 से 37 डिग्री, लेकिन ऑप्टिमम पीएच कितना चाहिए, 1.6 से 2।
रूस से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हुआ तो आपका एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा गर्मी में और बहुत ज्यादा कोल्ड में एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। बोलिए क्लियर। तो एंजाइम के 5 फीचर, यानी कि एंजाइम में हमने जो साइंटिफिक आइडिया जो आपको दिया, ठीक है, पहले तो ये मेटाबॉलिज्म में जो हमने साइंटिफिक आइडिया दिया वो क्या था, ये आपको एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में हमने क्या बताया था, कोई चीज बनेगा, और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, कोई चीज टूटेगा। ठीक है, एनाबॉलिज्म में कोई चीज बनेगा और कैटाबॉलिज्म में टूटेगा। तो मैंने क्या बोला एनाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलती है, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म को एक्सर्गोनिक, सॉरी एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगती है तो उसको बोलते हैं इंडरगोनिक, इंडरगोनिक, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक। यानी जो जब कोई चीज टूटता है उसका बोन टूटता है, बोन टूटेगा तो बोन डिसोसिएशन एनर्जी के रूप में एनर्जी बाहर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सर्गोनिक, क्या बोलेंगे एक्सर्गोनिक। और जब कोई चीज बनता है, बनता है इसका मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड के बनने में क्या लगती है, एनर्जी लगती है, तो बॉन्ड के बनने में एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरगोनिक, क्या बोलते हैं इंटरगोनिक। और बॉन्ड के टूटने में जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं एक्सर्गोनिक। तो बताइए एनाबॉलिज्म यानी जो बनने वाला प्रोसेस है उसमें एनर्जी लगती है इसलिए उसको क्या बोलेंगे इंटरगोनिक, और इसको क्या बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन को क्या बोलेंगे एक्सर्गोनिक। ये तो आपको हमने बताया और दोनों मिला के क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर ये भी बताया कि मेटाबॉलिज्म के लिए क्या जरूरी है एंजाइम। एंजाइम के अगर हम डिस्कवरी के बैकग्राउंड से जाएं तो एंजाइम का सबसे पहला नाम क्या था, फर्मेंटीन, फर्मेंटीन इसका नाम था। और बाद में एंजाइम नाम जो पड़ा, ये एंजाइम नाम किसने दिया, कुन्हे, कुन्हे ने दिया। इंजाइम का डिस्कवरी किसने किया, ब्रुचनर ने किया। ठीक है, बट इसका सेरेंडिपिटी से डिस्कवरी किसने किया, सेरेंडिपिटी के द्वारा, सेरेंडिपिटी के द्वारा डिस्कवरी किसने किया, ठीक है, तो पाश्चर ने किया। और पाश्चर ने जो किया था वो किसका किया था, जाइमेज का। ऑल इंजाइम्स आर मेटाबॉलिक प्रोटीन, ये नेचर किसने बताया, समर ने बताया, समर ने बताया कि ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। और बताइए ये तो बताया ही, कहता ऑल इंजाइम्स ऑफ प्रोटीन, इस बात का एक्सेप्शन कौन है, दो इंजाइम, पहला कौन यानी एक्सेप्शन, बोलिए पहला कौन, तो कहता है राइबोजाइम, राइबोजाइम। ठीक है, ये इसका डिस्कवरी किसने किया, केक। और कहता है कहां पे ही होता है, तो कहता है टेट्रा, टेट्रा हाइमेना। ठीक है, टेट्रा हाइमेना ऑर्गेनम से इसकी डिस्कवरी की थी। ये राइबोजाइम प्रोटीन का बना हुआ नहीं होगा। और दूसरा, ठीक है, कहता है कौन सा, ये तो हो गया राइबोजाइम, दूसरा कहता है राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो कहता है ये भी बैक्टीरिया से निकाला गया था और ये भी प्रोटीन का बना हुआ नहीं है। यानी कि दुनिया में जितने एंजाइम होंगे सब प्रोटीन के होंगे एक्सेप्ट दिस टू। ठीक है, और उसके बाद कहता है ये तो एंजाइम का मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड है, और एंजाइम के फीचर की बात करें जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है, तो कहता है एंजाइम की अगर फीचर की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि एंजाइम जिस पे काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, सबस्ट्रेट। तो पहला तो पॉइंट ये आइए कि ऑल एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट, ठीक है, व्हिच कैटालाइज, कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। एक ये हो गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताए थे, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक टू देयर फंक्शन, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर फंक्शन। ठीक है, ए पार्टिकुलर एंजाइम, ए पार्टिकुलर एंजाइम
ओनली ओनली एक्ट अपॉन ए पार्टिकुलर ओनली एक्ट अपॉन ए पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पे काम करेगा ठीक है. Enzymes are very specific to their function. A particular enzyme only act upon a particular substrate. Maltase तो maltose पे ही, protease तो protein पे ही. कभी ऐसा नहीं होगा कि protease lipid पे काम करे या maltase sucrose पे काम करे. Clear है point? तीसरा आपको क्या पता है? Enzyme never take part or exhaust और यूज्ड अप इन ए बायोकेमिकल रिएक्शन कभी भी उस पर यूज्ड अप नहीं होगा. इट ओनली प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर रिएक्शन ठीक है. हेंस The enzyme action is called ठीक है surface phenomena क्लियर. और उसके बाद एक आपको क्या बताया ठीक है कि enzymes ठीक है एक्सेलरेट और ठीक है इनिशिएट द बायो केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन इनर्जी of substrate very very important substrate activation energy of substrate ठीक है activation energy of substrate ठीक है ध्यान दीजिएगा. तो ये जो है और last final point आज के वीडियो का final point क्या है. final point ये है कि enzyme only ऊपर में लिख देता हूं enzymes ठीक है only act upon enzyme only acts upon ठीक है या only working upon a particular range of temperature and pH called क्या बोलेंगे called optimum pH एंड टेम्परेचर. क्लियर है ये पांचों पॉइंट प्लस ये साइंटिफिक बैकग्राउंड प्लस ये पूरा यानी ये आपका जो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है किसका ये आपका इंजाइम का इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इसमें आगे हम लोग क्या सीखेंगे इसमें आगे हम लोग सीखेंगे इंजाइम का एक्शन. आपने सुना होगा लॉक और की यहां पर पढ़ेंगे लॉक की हाइपोथेसिस. जैसे एक सही चाबी के द्वारा ही एक ताला खुल सकता है अगर गलत चाबी से आप ताला खोलने की कोशिश करेंगे ताला जाम हो जाएगा. उसी तरह पढ़ेंगे आगे कि एंजाइम एक पार्टिकुलर सब्सट्रेट से ही उसका एक्शन स्टार्ट होगा. अगर आपने गलत सब्सट्रेट दे दिया यानी एंजाइम आपके पास है प्रोटीएज आपने उसको लिपिड दे दिया एंजाइम वहां पर काम नहीं करेगा. कैसे काम नहीं करेगा यानी कैसे एंजाइम का एक्शन होगा. एंजाइम का एक्शन जो होगा उसको कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. और एंजाइम का एक्शन नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे इनहिबिशन. तो इनहिबिशन भी तीन तरह का होगा पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव और फीडबैक इनहिबिशन तीनों पढ़ेंगे. फिर एंजाइम की कैटेगरी पढ़ेंगे. एंजाइम में 6 कैटेगरी होती है उसके लिए आपको ट्रिक्स बताएंगे. ले चलेंगे ऊटी घुमाने के लिए वहां हिल स्टेशन पे ले चलेंगे ऊटी हिल. तो ऊटी हिल को हम लोग बोलेंगे ओटी हिल. ऑक्सीडोरिएक्टेज ट्रांसफरेज हाइड्रोलेज आइसोमेरेज लाएज
और लाइगेज, ये इंजाइम होगा। छह के टेबी बताएंगे, छह का ट्रिक बताएंगे, घबराना नहीं है। फिर ये छह बताने के बाद आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा इंजाइम काम करता है। फिर आपको बताएंगे, ठीक है, कि इंजाइम में जो प्रोटीनस पार्ट होता है वो क्या होता है। प्रोटीनस पार्ट को बोलते हैं एको इंजाइम, लेकिन प्रोटीनस पार्ट फंक्शन नहीं होता, उसको जो मदद करते हैं उनको बोलते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर में बताएंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसमें बताएंगे को इंजाइम, उसमें बताएंगे मेटलिक ग्रुप, वो सबको मिला के पोलो इंजाइम होगा, तब जाके इंजाइम खत्म होगा। यानी इंजाइम पे कंप्लीट 40 मिनट का एक और वीडियो होगा जो आपको पूरा का पूरा इंजाइम को समझने में मदद करेगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, इंजाइम चैप्टर एक ऐसा है जो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, टेंथ में भी पढ़ा होगा, लेकिन प्लस वन में इंजाइम को इतना ढंग से पढ़ना है कि इससे दो से तीन क्वेश्चन आता है नीट में, वो आपको गारंटी के साथ मतलब कमांड हो जाए। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला जो क्वेश्चन होता है वो इंजाइम का ही होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स का इंजाइम टॉपिक का ये पहला वीडियो, दूसरा वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, देखते रहिए, आगे का चलना।